नॉर्मल क्या है तुम सभी के होस्ट होगी सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो कह जाते हो मैंने कई दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि तुम रोब्लॉक्स गेम को अपने डेस्कटॉप के अंदर कहां जाके डाउनलोड कर सकते हो। गाइस जैसे तुम्हें पता ही होगा तुम इस गेम को डायरेक्टली एपिक लॉन्चर या फिर स्टीम के थ्रू डाउनलोड नहीं कर सकते। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था तो कई लोगों ने मेरी वीडियो देख के इस गेम को डाउनलोड भी किया। लेकिन यार कई लोगों का एक इशू आ रहा है कि वो जैसे अपना गेम रन करा रहे हैं तो उनका यार गेम ही क्रैश कर जा रहा है, तो किसी का डेस्कटॉप ही स्विच ऑफ हो जा रहा है, तो किसी का गेम ही बंद हो जा रहा है। लेकिन यार तुम टेंशन मत लो, आज की वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि तुम इस इशू को कहां जाके फिक्स आउट कर सकते हो। तो आओ यार बिना कोई टाइम वेस्ट किए फटाफट चलते अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे। तो गाइस यार यहां पे मैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ गया हूं। यहां पे आने के जैसे कि तुम्हारा ये गेम बार-बार क्रैश कर जा रहा है तुम्हारे डेस्कटॉप के अंदर, तो इसे तुम्हें फिक्स आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यार देखो सबसे पहले मेरा मानो तो सबसे पहले आगे से तुम इस गेम को अपने डेस्कटॉप के अंदर से डिलीट कर दो, ठीक है। इसे तुम डिलीट करने के बाद रीइंस्टॉल करोगे, मैं तुम्हें बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। जैसे सबसे पहले आना है, सबसे पहले आगे से तुम्हें अपने डेस्कटॉप के अंदर से डिलीट करना है। मैं अपने रिसाइकल बिल से भी डिलीट कर देता हूँ तुम्हें बताने के लिए। जैसे मैंने इसे डिलीट कर दिया है, डिलीट करने का क्या करना है तुम्हें अपने वापस से क्रोम पर जाना है। क्रोम पर जाने के बाद सर्च करना है रोब्लॉक्स, सर्च करने के बाद इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद तुम्हें क्या करना है वापस से इसे आके डाउनलोड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तुम्हें डाउनलोड कैसे करना है वो भी बता ही देता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद मैं नॉर्मली इस पर क्लिक करूँगा, किसी भी गेम में जाके क्लिक करूँगा तो अगर मेरे डेस्कटॉप के अंदर रोब्लॉक्स नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो डाउनलोड एंड इंस्टॉल, तो इस पर तुम्हें क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल कर लेने के बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरा जो रोब्लॉक्स है वो मेरे डेस्कटॉप के अंदर इंस्टॉल हो रहा है। रोब्लॉक्स इज सक्सेसफुली इंस्टॉल। तो गाइस यहाँ पे देखो गेम को डिलीट करके दोबारा से डाउनलोड कर लेने के बाद तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आके इसे तुम्हें डायरेक्टली ओपन नहीं करना है। यहाँ पे आने के बाद तुम्हें क्या करना है इसे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो प्रॉपर्टीज का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे तुम मतलब ऑप्शन वगैरह देख सकते हो, सिक्योरिटी, जनरल डिटेल्स, शॉर्टकट, प्रीवियस वर्जन, कंपेबिलिटी। तो यहाँ पे तुम्हें आना है सिंपल सा कंपेबिलिटी पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद तुम्हें क्या करना है सबसे मेन ऑप्शन यहाँ पे तुम्हें क्लिक करना है रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे इस पर क्लिक करते हो, उसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुम्हारा अनसेलेक्ट होगा, सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे अप्लाई करते हो तुम्हारा 99% यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तुम्हें आना है ये करते हो, जैसे अप्लाई कर लेने के बाद तुम्हें क्या करना है अपने डेस्कटॉप को रिबूट करना है। रिबूट कर लेते हो उसके बाद अपने गेम को ओपन करके देखना कि तुम्हारा गेम स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, क्रैश होना बंद हुआ है कि नहीं। कई जगह तुम्हारा गेम प्रॉपर्ली चलना स्टार्ट हो गया तब तो यार बहुत अच्छी बात है, अगर बट स्टिल तब भी नहीं हुआ तो तुम्हें क्या करना है वापस आना है इसी ऑप्शन पर, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पर आना है और यहाँ पे कंपेबिलिटी पे आना है। यहाँ पे आने के बाद अगर तुम्हारा विंडो ए सेलेक्ट है तो इसे विंडो 7 कर लेना है, अगर विंडो 7 सेलेक्ट है तो विंडो 8 कर लेना है, ठीक है। जैसे ये तुम कर लेते हो कस्टमाइज, उसके बाद तुम्हें लास्ट ऑप्शन क्या करना है यहाँ पे रन कंपेबिलिटी ट्रॉवल होल्डर पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, बेसिकली तुम्हारा प्रोग्राम तुम्हारा गेम के अंदर का इशू फाइंड कर लेगा कि तुम्हारा गेम क्यों क्रैश कर रहा है। तो यहाँ पे तुम जैसे क्लिक करोगे रन कंपेबिलिटी ट्रॉवल होल्डर, इस पर जैसे तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिटेक्टिंग इशू पे मतलब ऑटोमेटिकली इशू तुम्हारा डिटेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं ट्राई रिकमेंडेड सेटिंग और ट्रबल हुड प्रोग्राम, मतलब बेसिकली मेरे डेस्कटॉप के अंदर कोई इशू वगैरह नहीं है, मेरा गेम क्रैश नहीं कर रहा है यहाँ पे, इसलिए कोई इशू डिटेक्ट नहीं हुआ है। अगर तुम्हारा गेम स्टिल क्रैश कर रहा होगा तो यहाँ पे इशू वगैरह आ जाएगा कि किस रीजन के कारण तुम्हारा गेम क्रैश कर रहा है, तो उस ऑप्शन पे मतलब उस रीजन पे क्लिक करके उसे फिक्स आउट कर लेना, मतलब बेसिकली तुम्हारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली उसे फिक्स कर देगा। उसके बाद दोबारा से अपने डेस्कटॉप को रिबूट करके वापस से गेम स्टार्ट करना। उसके बाद गाइस तो मैं तो बोल रहा हूँ 110% तुम्हारा गेम रन होने वाला है। तुम कमेंट करके जरूर से बताना कि तुम्हारा गेम रन हुआ कि नहीं, यार मुझे भी तो पता होना चाहिए। तो बस यार आज के लिए इतना ही, होप से तुम्हें आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को मुक्के मार के सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस चलो मिलते हैं तुम सही से एक और फ्रेश ब्रांड वीडियो के साथ। ध्यान रखो, टेक केयर, सी यू सून।